हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज है, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। पेट भरने के लिए तो कमाना जरूरी है ना, क्या दे रहा है क्या गवर्नमेंट को खाने के लिए? तो आप कहीं बाहर तो नहीं आए ना? तो बताना हमारे मंत्री साहब को, बताना थोड़ा, उनका ज्यादा चल रहा है। हमारे शहर में कहीं भी ऑकर जोन नहीं है, तो ये लोग रोड पे आके ही बेचेंगे ना, कहीं वो खुद मुमरा के बाहर के कमारा तुमसे देखा नहीं जा रहा। अरे हमारे MLA साहब वो मुमरा के थोड़ी है, मुमरा के बाहर के वहाँ से आके यहाँ कमा रहे भाई। एक्चुअली ये लीगल ऑकर जोन नहीं दे रहे, करके आप लोगों को खुद पत्र आने पड़ रहे हैं। तो ये कार्रवाई उसके लिए करा रहे कि उनके चेलों को पैसे मिले। यहाँ के नेता को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, लोगों की पड़ी हुई नहीं है। मिले हुई है सब, किसका नाम लेंगे बताओ ना। मित्तल में ऑकर जोन थोड़ी है, कहाँ लिखी थी? कितने TMC काम जो है इलीगल वे से काम हो रहा है? अरे तुम मेरे को इलीगल की बिल्डिंग नाम दो तो वो 4,000 से ज्यादा हॉकर घूम रहे शहर में। गुमरा के हॉकर की लिस्ट है जी, वो ज्यादा से ज्यादा 1700। बाहर के लोग आके धंधा कर रहे हैं ना, मानो बैठ जाएंगे यहाँ पर ही। ये हॉकर लोग के ऊपर कार्रवाई मत करो, सब शहर में हॉकर जोन नहीं है, उस पे कार्रवाई नहीं होना चाहिए। अगर मैं रोड के ऊपर धंधा नहीं करूंगा। महेश रामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार। आपको बता दें, जिस तरह से मुमरा शहर में हॉकर का मुद्दा काफी गर्म है, क्योंकि जिस तरह से मनपा लगातार कार्रवाई कर रही थी, हॉकरों का सामान फेंक दिया जा रहा था, उसके बाद से कहीं ना कहीं अब जब यहाँ के लोग एक्शन लिए, जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी इसके खिलाफ मैदान में उतरी, उसके बाद कहीं ना कहीं अब मनपा की कार्रवाई जो है थोड़ा कम हुई। लेकिन बात सामने आ रही थी कि जो यहाँ पर हॉकर बैठ रहे हैं वो मुमरा शहर के हॉकर नहीं है, वो कल्याण, डोंबिवली और अन्य जगहों से जो हॉकर है वो यहाँ मुमरा शहर में आकर जो है धंधा लगाते हैं, इसके लिए कार्रवाई ये की जा रही थी। और सैफ पठान आज यहाँ गुलाब पार्क मार्केट में आए हुए हैं, आप यहाँ पर क्यों आए, किस लिए आए? देखिए कि आपको पता होगा कि किस तरीके से हॉकर्स पे कार्रवाई हो रही थी, उसके लिए आप हमारे साथ आए भी थे, हमने मेमोरेंडम दिया और कहा कि रुक। तो हमको उससे पहले का एक वीडियो मार्केट में आया एक दिन पहले का, कि उसमें यहाँ के जो MLA है, जो अभी मंत्री महोदय है, उन्होंने वीडियो में कहा है, यानी म्युनिसिपैलिटी ऑफिसरों से कह रहे हैं वो कि आप इन पे कार्रवाई करो, इनके ऊपर फाइन मारो, ये मुमरा के नहीं है, ये कुर्ला कल्याण के है। तो आज मैं पर्सनली ये मार्केट में आया, अभी ये शाम के टाइम मार्केट बैठा, ये हॉकरों से मिलने के मुमरा और इधर के है कि नहीं, ये साबित करने आया हूँ मैं। तो आप पूछे इन लोगों से कहाँ के हैं? नहीं नहीं, अभी तो मैं आपको बुलाया, पहले मैं आपसे साथ आया हूँ, अभी मैं इनसे पूछूंगा और मैं उनको बताऊंगा कि ये मुमरा के और वो बाहर के। मुमरा किसका तुम्हारा है? हाँ भाई, आप कहाँ के हो, मुमरा के हो, कहाँ के हो? मैं भाई ये मुमरा में रहता हूँ, 18 साल से मैं ये चप्पल का मैं कुछ धंधा लगाता हूँ। 18 साल से आप मुमरा में रहते हो? हाँ भाई। और धंधा यही लगाता है? हाँ। और ये और मेरे पास ये ठाणे महानगर की पौती भी है। पौती वगैरह अभी मिल सकती है मेरे को? नहीं अभी, वो ये घर पे भाई। घर किधर आपका? ये इधर ये मकीता पे। यानी आप मुमरा के ऊपर? हाँ, मुमरा का ही हूँ मैं। चाचा किधर रहते हो आप? संतोष नगर में रहते हैं आप यहाँ पर कब से धंधा लगा रहे? करीब 2 साल से लगा रहे। करीब 2 साल से लगा रहे आप, यानी बाहर से कल्याण कुर्ला से तो नहीं है ना? क्योंकि जो हमारे मंत्री साहब है उनको ऐसा लगता है कि वो खुद बाहर के, तो उनको लगता है कि पूरा शहर बाहर से आ रहा है। पक्का पौती ने आप लोग कुछ आईडी प्रूफ? आईडी प्रूफ आज लेके नहीं आए हैं, जरूरत होगा। आईडी प्रूफ है आपके पास? अभी नहीं है, रहता तो मतलब घर पे है, अगर उसमें मतलब कोई गलत निकलेगा तो फिर हमारे ऊपर कार्रवाई करो। भाई आप कहाँ से आकर यहाँ पर धंधा कर रहे? मैं मुमरा स्टेशन पे रहता हूँ। मुमरा स्टेशन पे रहते हो, कुछ आईडी प्रूफ है अभी आपके पास? जी है। बताइए कब से धंधा कर रहे हो आप यहाँ पर? 2 महीना। क्यों 2 महीने से पहले क्यों नहीं कर रहे थे? इससे पहले लॉकडाउन में लॉकडाउन में कहा, लॉकडाउन की वजह से आप यहाँ धंधा लगा रहे? देखो ये भी एक मुद्दा है जो MLA साहब बोल रहे ना कि अभी हॉकर बढ़ गए, उन पे कार्रवाई करो, बाहर से आ रहे, बाहर से नहीं आ रहे। जो इस शहर का नौजवान बाहर जाके नौकरी करता था, कमाई करता था, आज उसके पास कोई रास्ता नहीं तो वो ये कर रहा है। और वो क्या कर रहे हैं, इन पे कार्रवाई करवा के इनको एक गलत रास्ते पे भेज रहा है। अगर धंधा करके कमाएगा नहीं तो क्या चोरी चमारी करेगा? क्या चाहते हैं वो कि यहाँ का बंदा बच्चा चोरी करे, कि हॉकर्स बन के अगर धंधा लगा रहे? पहले क्या करते?
जी इससे पहले क्या? पहले पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते थे, अभी फिलहाल ये धंधा लगा। धंधा लगाना मिल गया ना। चले बस ला लो भाई। आप कहाँ पर रहते हो? इंग्लिश स्कूल। मुमरा इंग्लिश स्कूल के पास। तो आप कहीं बाहर से तो नहीं आए ना? ये बताना हमारे मंत्री साहब को, बताना थोड़ा उनका ज्यादा चल रहा है, उनको बताना। पूर्वीदा बिल्डिंग में रहते हो? कब से धंधा लगा रहे हो यहाँ पर? लॉकडाउन के बाद से जो लगा। लॉकडाउन क्यों, पहले क्यों नहीं लगा रहे थे? पहले मैं हाजिली काम करते थे। काम करते थे, तो अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ रास्ता नहीं बचा, तो कम से कम अपने इज्जत की रोजी, हलाल की रोजी कमा रहे और खा रहे हो। मैं मीरा रोड में धंधा करता था जी। और ये ट्रेन बंद होने की वजह से मैं मजबूरी में यहाँ बैठा हूँ। आप रहते कहाँ पर? MTNL कंपाउंड इधर मुमरा में रहते। देखो ये भी एक मुद्दा है, जैसा एक बात बताए आप लोग, जिस तरह से मनपा की कार्रवाई हुई है, सामान ले जाना, फेंक देना, तो कितना इसमें आप लोगों का नुकसान हुआ? आखिर उसकी भरपाई कैसे आप लोग किए? क्या अपने परिवार के लिए आप लोग कितना यहाँ पर जद्दोजहद कर रहे हैं? सर हम लोग पहले तो पूरा लगाते थे, 2 घंटा टाइम मिलता था, लेकिन अभी नहीं मिलने की वजह से हाथ में लेके लगाता हूँ। देखिए नहीं नहीं, नुकसान कितना हुआ कार्रवाई के दौरान? कार्रवाई के दौरान कभी सामान फेंक देता था, कभी सामान जो मन पर ले गई वो आपको दोबारा मिला? मांगने गए कभी? फाइन भरे आपने कभी? नहीं, फाइन मांगने गए तो मिला नहीं, पैसा ही नहीं। सुनिए ना, मैं बता रहा हूँ, जब अधिकारियों को बैठ करके MLA बोलेगा, डराएगा, तो अधिकारी करेगा क्या? तुम मजबूर कर रहे हो ना उनको, तुम उनको रोकना चाहिए ये टाइम पे, तो तुम उन पे प्रेशर बना रहे हो कि जाके करो करके, तो करेगा क्या हो? मीरा बहेंदर नगर पालिका का वो भी है। आप कहीं बाहर से आकर के यहाँ पर धंधा लगा रहे हो, कैसा है? नहीं, मुमरा के ही हम लोग। आप मुमरा के हो? तो आप आज लेडीज हो, आप यहाँ पर हॉकर जोन लगा रहे हैं, हॉकर जोन पे क्या कर रहे हैं यहाँ पर? ये भाई लॉकडाउन की वजह से यहाँ लगाना पड़ रहा है। हम लोग जॉब करते थे पहले। आप जॉब करते थे पहले? इससे पहले कहाँ पर जॉब करते थे? ग्रेजुएट हूँ, थाने में कॉल सेंटर पे काम करती थी, टेलीकॉलर। यानी आप अभी लॉकडाउन की वजह से ये हो गया कि अभी घर चलाने के लिए आप यहाँ पर इज्जत से जी थोड़ा धंधा, 2 घंटा धंधा करके बेच करके सामान अपना घर चला ले। ऐसे लोग जब लोग धंधा कर रहे तो उनको समझ में नहीं आ रहा, हमारे शहर में कहीं भी हॉकर जोन नहीं है, तो ये लोग रोड पे आके ही बेचेंगे ना, कहीं कुछ तो कमा के खाने की सोचेंगे। और वो बैठ के एक ऑफिस में बैठ के बोल दिए कि कल्याण के गुरलग, एक्चुअल वो खुद मुमरा के बाहर के, मुमरा में आकर के कमा रहे, और इनकी जो यहाँ का गरीब कमा रहा तो उनसे देखा नहीं जा रहा है। कौन मुमरा के बाहर का कौन? अरे हमारे MLA साहब, वो मुमरा के थोड़ी है, मुमरा के बाहर के, वहां से आके यहाँ कमा रहे भाई, यहाँ MLA बने, यहाँ कमा रहे, इनकम कर रहे। खाला अब कहाँ से, मुमरा के बाहर से कहाँ से आकर यहाँ पर धंधा लगाई हो? मैं मुमरा के अंदर ही रहती हूँ। कहाँ पर रहती हो आप? दाऊद बिल्डिंग में। दाऊद बिल्डिंग में रहती हूँ, ये सामने। कितने साल से धंधा कर रहे हो खाला यहाँ? यहाँ पे मैं 5 साल से धंधा। 5 साल से धंधा कर रहे हो? कितना नुकसान करती है म्युनिसिपैलिटी जब आती है आप लोगों का? बहुत नुकसान हो जाता है। देखिए इस्लाम भाई, अब बताओ, एक औरत कमा रही है कहीं पे, मेरी कोई बहन कमा रही है जो कहीं कॉल सेंटर में थी, कोई बंदा मीरा रोड जाता था वो कमा रहा, तो शहर के लोग ही कर रहे ना हॉकर बन के यहाँ पर धंधा, बाहर के थोड़ी आए। उनको बोल देना वो कोई 10% आएंगे, उनके लिए पूरे 90% हमारे लोगों का नुकसान पहुंचाना है, जायज है क्या? भाई आप कहाँ से आकर के धंधा लगा रहे हो? मुमरा से। मुमरा से कहाँ से? सोसाइटी। सोसाइटी से आ रहे हो, तो आप कब से धंधा लगाते हो? अभी बस जब से लॉकडाउन दे रहा फ्री हो गया, तो जाने का मौका नहीं मिल रहा, किधर बाजार बंद है। आप किधर लगाते थे पहले? बाजार लगाते थे, मुंबई में बाजार में लगा। नहीं, यहाँ बाजार डोंबिवली है, डोंबिवली में खाना ये। यानी आप यहाँ से बाहर जाके कमाते थे? कभी ऐसा हुआ है कि वहाँ के MLA ने वहाँ से भगाने बोला आपको, या आपको मारने बोला है, फाइन करने बोला है? अभी तक कोई जाने का, अभी लॉकडाउन की वजह से यहाँ पर ही है। देखिए साहब भाई, ये भी बात सामने आती है कि जिस तरह से मुमरा के लोग हैं, ये लोग भी कहीं ना कहीं बाहर जाते हैं, मस्जिद बंदर है, राफट मार्केट है, या संडे रोड है, रोड फुटपाथ पे किनारे मुंबई सेंट्रल का इलाका है, तो यहाँ सब मुमरा के भी लोग जाते हैं, धंधा लगाते हैं, रेलवे ब्रिज पर लगाते हैं। तो ऐसा क्या कहीं दूसरे जगह से आके लोग यहाँ धंधा नहीं कर सकते? अगर वो लोग भी मुमरा के लोगों को भगाएंगे तो फिर क्या होगा? देखिए पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो मंत्री महोदय है वो टोटली अपने कामों में फेल है। आज उनके 11 साल के कार्यकाल में, 12 साल के, उन्होंने एक हॉकर जोन दिया क्या शहर को? लीगल हॉकर जोन दिया, एक हॉकर जोन के नाम पे, यानी एक मित्तल का इलीगल हॉकर जोन दिया, और 2 हॉकर जोन उन्होंने अपने कार्यकाल में खोले, सिर्फ करप्शन हुआ उस पर। एक तो मैं बोलता हूँ शरद पवार जी को बुलाए, वो खुद गवाही देंगे, उनके हाथ से ओपनिंग हुई है, वो गवाह है उसके, कि वो इलीगल हॉकर जोन उनसे ओपन कराया गया जो बाद में बंद कर दिया गया। एक TMC जायसवाल, कमिश्नर जायसवाल रह करके उन्होंने ओपनिंग की थी,
आपको याद होगा 29 नंबर सर्वे पे वो रमेश पाटिल की जगह पर वहाँ पर उस तरीके एक लीगल हॉकर। आप हॉकर से यहाँ गाड़ी पे ऐसे धंधा लगा रहे हैं आप यहाँ पर, अगर आपको हॉकर जोन मिलता है तो क्या आप वहाँ जाकर धंधा लगाना बेहतर समझेंगे या रोड पर ही लगाएंगे? अगर सब जाते हैं तो हम भी जाएंगे, रोड के तो ऐसा हमारे को अलाउड नहीं, हम बाजार वाले। सब लीगल हॉकर जोन बनेगा तो जाना है, लीगल हॉकर जोन मिलता है तो आपको जाना होगा और सब मार्केट वहाँ बसे। एक्चुअली ये लीगल हॉकर जोन नहीं दे रहे करके आप लोगों को फुटपाथ पे आना पड़ रहा है। आप कहाँ से बाहर से कहाँ से आकर यहाँ पर धंधा कर रहे? रशीद कंपाउंड में रहते भाई, रशीद कंपाउंड में रहते। आपने अभी हमारे एमएलए का स्टेटमेंट सुना है जो आप लोगों पे तोड़ू कार्रवाई हो रही थी उससे पहले, उन्होंने कहा कि यहाँ के जो हॉकर से यहाँ के नहीं है, कल्याण और कुर्ला से आ रहे हैं और वो कर रहे। हम लोग यही रहते हैं, रशीद कंपाउंड में रहते हैं भाई। तो आप लोग यहाँ धंधा क्यों कर रहे हो? क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे फिर? हम लोग एक जमाने से यहाँ लगा रहे भाई, 4-5 साल हो गया, बड़े हो गए यहाँ पे। यहाँ भाड़ा देते हो आप किसी को? यहाँ तो अभी तो किसी को भाड़ा नहीं दे रहे, किसी को भाड़ा नहीं दे रहे। देखो प्रॉब्लम क्या, मैं आपको बताऊँ, ये जो कार्रवाई हो रही है ना, ये मंत्री महोदय क्यों करा रहे ना, क्योंकि उनके ही पार्टी के कुछ बड़े नेताओं के वहाँ गाले बने जो इलीगल हॉकर जोन बनाया गया है, तो वहाँ उनको भाड़े नहीं मिलते, गरीब 2 पैसा कमाने के लिए रोड पर आके कमा रहा है। तो ये कार्रवाई उसके लिए करा रहे कि उनके चेलों को पैसे मिले, वहाँ भाड़े मिले, इस वजह से कार्रवाई। तो यहाँ से तकलीफ किसको है? आपको ट्रैफिक जाम दिख रहा है यहाँ की वजह से, देखो कितना भार है ट्रैफिक, रोड कितना भार है, तो इस वजह से किया जा रहा। कोई भार का नहीं है, कोई भी भार से नहीं आया है। अच्छा, हॉकर जोन, हॉकर जोन अभी तक नहीं मिला है यहाँ के हॉकरों को, तो उस पर जो यहाँ के नेता हैं उन लोगों को आप क्या कहेंगे? यहाँ के नेता को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है, लोगों की पड़ी हुई नहीं है। यहाँ लोग सिर्फ अपना, लोग सिर्फ पेट पालने के लिए आ रहे, कोई करोड़पति बनने के लिए नहीं आ रहा है, उनको डेली के अपने रोजगार चाहिए, लोगों के काम बने, ट्रेन बने, लोग कहाँ जा नहीं पा रहे, माल उठा उठा के लेके, लोगों के नुकसान कर रहे, हॉकर को लेके जा रहे, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलता, लोगों को आधा माल गायब कर देते। इसके खिलाफ यहाँ के एमपी को कंप्लेंट कर चुका, कल परसों नरसों आधा माल गाली भी देके भगा देते, लगाना नहीं अब साफ लोग, कभी भी माल वापस नहीं मिलता। गरीब है, हर आदमी गरीब है, कोई पैसे वाला नहीं है, 2 वक्त की रोटी के लिए आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ के नेताओं से आप लोग फिर क्यों नहीं हॉकर जोन की मांग करते? आप लोगों की यूनियन, जो आप लोगों की यूनियन है, वो यूनियन क्यों नहीं आगे आती, हॉकर जोन की मांग क्यों नहीं करती? अभी यूनियन वाला है हमारा जो यहाँ का, जो एक्चुअली यूनियन वाला है ना इरशाद, वो उस अपना मित्तल ग्राउंड का है, वो वही यही चाहता है कि यहाँ पे लोग धंधा ना करें। क्यों क्यों नहीं चाहता यूनियन ने जब हॉकर्स की, तो क्यों नहीं ऐसे ऐसे लीडर को हटाओ, फिर मैं सपोर्ट करता हूँ, दूसरा लीडर बिठाओ आप लोग, जब वो ऐसा कर रहा आप लोग का नहीं सोच रहा है। तो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, हमको कोई एक रहबर चाहिए, रहबर चाहिए जो हम लोग की बात आगे पहुंचाए, कोई रहबर नहीं मिल पा रहा है ना, हर आदमी यहाँ पे बटा हुआ है, हर आदमी बटा हुआ है, वहाँ से फोन करता है, म्युनिसिपैलिटी आ जाती है और पूरा माल उठा के लेके चले जाती है। किसके कहने पे आते हैं? अब वही जो है मिले हुए ये सब, किसका नाम लेंगे बताओ ना। हालांकि इधर रहते हैं, कहाँ रहते हो आप? मुमरा में अपने लिए आए हो? ठाकुरपाड़ा, यहाँ पुलिस चौकी के पास, पुलिस चौकी के पास रहते हो, क्या बेच रहे हो आप? देखो अभी इस्लाम भाई यार, ये क्या कमा रहे होंगे इसके पीछे, और इसके पीछे अगर घर से बना के लाते हैं, कितने की बेच रहे हैं? 20 रुपए, अभी बिका भी नहीं, एक भी नहीं। कितना बिक जाता आपका? बिकने पहले तो खत्म हो जाता, नहीं तो नहीं पड़ा रहता तो खा लेते। अब ऐसे पे अगर आपको म्युनिसिपैलिटी आ जाती, आपको रोटी उठा के फेंक देती, तो नुकसान उठाना पड़ता आपको। डरो मत, बिंदास बोलो, आप लोगों के लिए है, यहाँ के जो सत्ताधारी लोग हैं ना, आज तक उन्होंने हॉकर जोन नहीं लाया है और पीछे से आप लोगों पे कार्रवाई करवाती, उसके खिलाफ इंशाल्लाह हम लोग काम करेंगे, हॉकर जोन लाएंगे सर, इसके लिए है। आमीन, दुआ करिए तुमको, बस दुआ करिए आप। खाला भी घर का खर्च कैसे चलता? आप ये रोटी बेच रही है, कभी बिका कभी नहीं बिका, तो कैसे क्या करते हैं? चलाना ही पड़ता ना, अगर नहीं बिका तो ये चीज आदमी वापस से बेच सकता है, ये बासी हो जाए तो कोई लेगा नहीं, जिसमें जो लागत आएगी तुमको उसी वैसे ही नुकसान हो जाएगा ना। आप लोग दो मिनट ये सवाल पूछना चाहता हूँ, जो ये मार्केट यहाँ पर लगा है, जब ये मार्केट यहाँ से हटा दिया जाता है, अपने ही भाइयों का, गरीबों का नुकसान किया जाता है, तो आप लोगों को कैसा लगता है? आप खुल के बोलिए, लोगों का गरीबों का बड़ा हो जाएगा, खुल के बोलिए। बुरा लगता है बहुत, क्योंकि जब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे कहाँ से? अच्छा, आप इससे सहमत हो कि अगर ये बाहर से भी आए तो इनको गरीबों का नुकसान करना चाहिए, फेंकना चाहिए? आप लोग सहमत? नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। हाँ, पेट भरने के लिए तो कमाना जरूरी है ना, क्या दे रहा है क्या गवर्नमेंट कोई खाने के लिए?
नहीं, हॉकर्स की काई की लेकिन हॉकर्स तो है ही नहीं जोन, शहर में हॉकर जोन है ही नहीं सर। इधर नहीं, रोड पर नहीं। नहीं नहीं, हॉकर जोन है मित्तल में जाने के, मित्तल मित्तल में हॉकर जोन थोड़ी है साहब, मित्तल में जाने का हॉकर जोन थोड़ी है। मित्तल में मैंने लीगल लिखित दी है, हमने मित्तल में दी है साहब, मेरे को भी कॉपी दो ना। लेके जाओ कल आके, ये तो यूनियन के अभी लीडर खड़े हो गए, लेके जाओ कल आके, लेके जाओ। मैं आता हूं लेकिन ये कार्रवाई का कि इनको फेंक के नहीं करवाने का काई के लिए देखने जा रहा था। अभी हम लोग लगा रहे जाने के लिए रास्ता के साथ में बताओ ना, कौन सी बनाए कौन सी कोशिश मैंने। लेकिन साहब एक मिनट, आप बोल रहे मित्तल में जाना, दो महीने के अंदर वहाँ से रास्ता निकलने वाला, आप बंदोबस्त करोगे तो जब तक महीने आज शहर में जो पैंडेमिक है ना, पैंडेमिक पीरियड है ना, ये हॉकर जोन हमेशा का हॉकर नहीं, हॉकर जोन नहीं हमेशा का। मैं इधर नहीं पूछू, मेरी बात को सुनो, ये हमेशा के हॉकर लोग नहीं है। तो शहर का युवा, जो शहर का युवा बाहर जाके नौकरी करता था, वो आज धंधा लगा रहा है, उनका नुकसान कर दो। जो कुछ बोलने का तुम ऑफिस में आ जाओ, मैं कल बता देता हूँ। और मैं बोल रहा हूँ अभी भी मित्तल में जाने, अरे लेकिन मित्तल में लीगल हॉकर जोन का है साहब, मैं बोल रहा हूँ ना जाने का, लेकिन लिखित दिए, लिखित दिए, कहाँ लिखित दिया ये इंशाल्लाह खड़ा था बोला, तुम आ जाओ मैं देता हूँ तुमको, निकल लेगा अरे मैं, मेरे पास कॉपी है ना। अरे ये सामने कुछ लिख के दिया है ना कि मैं दिया, नो नहीं रहना लिखित दिया, तकलीफ होता है, कार्रवाई भी कैसे आई अभी मैं आया तो ठीक है, वो भी ऐसा सब लोगों को बोलो मित्तल में जगह है। नहीं लेकिन मित्तल में सर मैं क्या बोल रहा हूँ, जब धंधा ही नहीं है, गरीब पहले से परेशान, तो अरे बहुत अच्छा धंधा है, सब लोग जाए आपको क्या प्रॉब्लम है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। आओ मैं बता दो जी की काम का चलो ना साहब, भी बता दे मेरे, मैं जी पी काम बताता हूँ, तू खाली बोल दे, बता दो कितने जीते, कितने लगाएंगे, कितने टीएमसी काम जो है इनलीगल वे से काम हो रहा है, कितने इनलीगल को ऐसे काम होता है, वो भी बता दो साहब, उस पर कार्रवाई लो। होता ही है जब इनलीगल बिल्डिंगों के पीछे पड़ो तो आप लोग हॉकर्स के पीछे पड़ जाते हो। अरे तू मेरे को इनलीगल के बिल्डिंग का नाम दो तो बोल, मैं इरशाद भाई ये तो बोले लीगल हॉकर जोन है वो, मैं तुमको लिखित दिया है ना, लीगल क्या बोला आप, एग्रीकल्चर नहीं, लीगल नहीं है, उन्होंने टेम्पररी हमको टेम्पररी बात वहाँ से हटा रहे जाएंगे, बैठने दो ना यहाँ, हटाएगा हटाएगा अभी तक, अरे लेकिन हटाओगे ना सर, हमेशा ये हटाएंगे। आपने वहाँ पर शरद पवार जी के हाथ से ओपनिंग करवाया, बंद हो गया, सुनिए आपने माने, आपके टीएमसी कमिश्नर जायसवाल सर जी के हाथ से ओपनिंग करवाया, उधर क्या बोलते हैं रमेश पाटिल की जगह का, उधर देने का ना, अरे सर उनका वहाँ पर चला गया, नहीं है ये तो तुम ऐसा कंफ्यूजन मत करो, नहीं कंफ्यूजन नहीं मत दोनों ऐसा मिक्स मत करो, ये कंफ्यूजन शॉप है उनके लिए वो बनाए किधर, ये था रमेश पाटिल उधर का, एक बात बोलता हूँ उसका, एक भी शॉप वाले को वहाँ देंगे ना, अभी चालू है सर बंद के भी, हमने ओपनिंग 2017 में हुई है, 2017 में आज तक आपने शॉप वाले को 2019 का अभी हम दे रहे हैं, 2019 का चंद्रशेखर साहब में दे रहा के बोलो, ओपनिंग बोल रहा नहीं छोड़ दे, इंसान की तो क्या है वो बताओ, अभी जो हाथी का इंसान हम लोग क्या है, बात कर रहे हैं ना, करो आप ये बात कर रहा हूं, आप कर दो, आप लोगों को एक आदमी बात करता है, बात करने दो, और कितना मेन आदमी है ना, मैं नहीं बात कर रहा है ना, फिर बीच में उंगली नहीं करने, चलो ये देखो मित्तल में हमने दिए जी, जब तक हम परमानेंट नहीं तब तक तो उठा रहे क्या उनको, मैं तुम्हारे को क्या बोलता हूँ, वही बोल रहा हूँ मैं, जैसा आप मित्तल में नहीं उठा रहे ना, जब तक आप परमानेंट हॉकर जोन नहीं देते ना, सुनो ना मित्तल में कितने हॉकर की जगह है, एक मिनट बता, वहाँ पे कम से कम 1,000 से 1,500 जगह, 1,500 सुनो मैं तुम्हारे को, चलो तुम्हारे को बताता हूँ, 4,000 से ज्यादा हॉकर घूम रहे शहर में, जो युवा आज काम पे नहीं जा, सुनो ना, और ये सिर्फ मुमरा का नहीं, मेरे को बोलने दो, ये सिर्फ मुमरा का नहीं, ये पूरे हर शहर का हर सिटी का यही हाल है, तो वो युवा आज बैठ के अगर कमा रहे तो उनपे कार्रवाई क्यों, सुनो वो बाहर जाके पास मुमरा के हॉकर्स की लिस्ट है जी, वो ज्यादा से ज्यादा 1700 लोगों का एड्रेस करता हूँ, बोल रहा हूँ ना, सुनो ना बोल रहा हूँ ना, 885 लोग है तुम्हारे रेगुलर लिस्ट में, सब है हमारे पास, मगर बाहर से लोग आके धंधा कर ले ना, कुरला बिरला है मालूम, बताओ ना है, है, बताओ चलो बताओ, मैं चल रहा था मैंने यहाँ पर बाहर से लोग आके जो धंधा कर रहे हैं ना, मंत्री साहब बोल रहे हैं, मंत्री साहब मेरे कोई नहीं, मैं तो बाहर मेरे को हॉकर भी देखता है, मैं हॉकर से वो भी पहचानता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारे सामने बच्चा हूँ, तुम मेरे को बोलने दो, अभी आपका सुना मैं, सुनो
आप जो बोले ना मैं माना, चलो 1700 हॉकर्स की लिस्ट है माना, लेकिन आज कोरोना के चलते क्या हुआ है, जो युवा हर शहर का हर सिटी का बाहर जाके नौकरी करता था, आज वो नहीं जा पा रहा, घर क्या करके चलेगा, चोरी तो नहीं करेगा, तो घर के नीचे हॉकर जोर लगा कर हॉकर बंद करके बेच रहा है। आप लोग क्या कर रहे हैं, वो 1700 की बात बता करके ये गरीब जो आज ईमानदारी से कमा के घर चलाना चाहता है उस पे कार्रवाई कर रहे हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। जब तक कोरोना पीरियड नहीं हटता है, आप लोग लॉकडाउन में सुनो ना, कोरोना आप लोग परफेक्ट हॉकर जोन नहीं देते, तो रिक्वेस्ट है मेरी, देखिए जो अभी गोसावी साहब अभी हम लोग रिक्वेस्ट करके बोल रहे हैं, तो हम बैठ जाएंगे यहाँ पर ही कि हॉकर्स लोग के ऊपर कार्रवाई मत करो, क्योंकि कोर्ट के भी ऑर्डर है कि हॉकर्स को, जो गरीब हॉकर्स धंधा लगाता है, जब तक शहर में हॉकर जोन नहीं है उस पर कार्रवाई नहीं होना चाहिए, उसको और गरीब मत करो। और मैंने 10 टाइम ये रेफरेंस का लेटर दिया है। ओके, अभी मेरी बात सुनेंगे ना जी, तुम्हारे जो 1700 के ऊपर हॉकर्स है ना, उसकी लिस्ट मेरे को दे दो, मैं बिठाने का सहूलत करता हूँ। एक बात, दूसरी बात, स्टेशन से कौसा मस्जिद तक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक भी हॉकर्स बैठेगा नहीं, हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। एमसी सर सुनो ना, एक मिनट गोसावी सर, स्टेशन से लेकर के कौसा मस्जिद, सुनो ना, स्टेशन से लेकर के जहाँ पर इनका हॉकर जोन बना है ना, वहाँ मैंग्रोव कटिंग का ऑर्डर है, आपके टीएमसी के अंडर ऑर्डर आया है, और वहाँ पर बिल्डर लोग बोर्ड मार रहे। अगर आप हॉकर्स गरीबों को देखते, सुनो ना, हॉकर्स गरीबों को देखते हो ना, तो न्याय वहाँ भी करो, फिर वो भी लोगों मैंग्रोव का, मैंग्रोव का ये जो पूरा मित्तल का पट्टा गया, आज जो नहीं सुनो, टीएमसी के अंडर ही है वो, टीएमसी के अंडर अंडर ही है वो, मेरे जो अंदर मेरे बोलने मतलब गरीबों पे जो कर रहे हो ना, वो अमीर का और अमीर का सवाल नहीं है। गोसावी सर बात, मेरी बात, मैं हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से नेशनल हाईवे पर, अभी भी ये नेशनल हाईवे है, उसका दर्जा गया नहीं है, ये हॉकर्स नहीं बैठ सकते। एक बात, दूसरी बात, 1700 लोग है तो 1700 लोगों को मित्तल पे जगह देने का मेरी जिम्मेदारी सर, हम लोग मगर मैं रोड के ऊपर धंधा नहीं करने दूंगा। अभी फिलहाल जो युवा बेरोजगार है ना, सर बेरोजगार है ना, मेरे पास लिस्ट दे दे, मैं अभी भी बना के देता हूँ ना, लेकिन अगर आप लोग मेरी जिम्मेदारी करेंगे तोड़ेंगे तो लिस्ट देंगे, मैं बना के देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी एक हफ्ते के अंदर आपको पूरी लिस्ट बना के देता हूँ, मेरी जिम्मेदारी बिठाने की, बराबर है, मगर उधर जाएंगे ये माल लेके जी, जब इधर धंधा लगेगा सब लोग इधर खरीदते, वो लोग कोई नहीं जाता। इरशाद भाई, इसके लिए दिल से आप अध्यक्ष हो इसके यूनियन के, आप वहाँ कमा रहे हो क्या, या आपके हॉकर जो गरीब आपके साथ नहीं कमा रहे हैं, मैं इसका उत्तर देता हूँ। इससे पहले जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, यानी आपकी मंशा है वहीं बैठे, उन्होंने नहीं, मंशा की बात नहीं, हमने क्यों बैठे वहाँ बैठे, उन्होंने भाई हमने घूमने के लिए कुछ करना था, बार बजे बैठते थे तो आपके लोग हमको प्रोत्साहन देते थे, हम लोग ने आपके एमआईएम के एमआईएम के फेसबुक पे यूट्यूब पे उन्होंने मेरे पास फेवर में लड़े, आज भी है वो मैं रखता हूँ, फेवर में नहीं, अपोजिशन में थे उस टाइम पे, आपने क्या बोला, अपोजिशन में भाई सत्ता में, सत्ताधारी क्या बोल रहा है उस टाइम, क्या बोल रहे हैं मंत्री साहब महोदय, मैं जो बोला सुनो, मैंने जो बोला कार्रवाई करवा, आपने जो बोला सुना, मैं जो बोला मैंने क्या सुना, करेंगे ना आप लोग, सुनो ना भाई, हम लोग जनप्रतिनिधि है, अगर हमारे पास लोग आते रोड जाम होता है, एम्बुलेंस में लोगों की जान जाती है, इन लोगों की कंप्लेंट है, परेशान हुए से ना, आवाज नंबर पे कार्रवाई की है, बैठा है और फाइल है, इन्होंने क्या निर्णय लिया मेरे पास कि इनको आप कहीं पे भी शिफ्ट, हमारी कंप्लेंट, आपने मेरे को बुलाया, क्या बोले, ज्यादा काम कर मुमरा के हित के लिए, मतलब कुछ काम कर, मैंने क्या रोड पे नहीं, लोग वैसे भी फुटपाथ पे, मित्तल में जाना जगह देता हूँ, जगह जगह बैठा हूँ, नहीं हो रही, आपके लोग हाथ से माल छीन लो, गरीब होकर मित्तल में मुंडा वाले को एक में बात किया, यही बोल रहा हूँ, गरीब देख रहे हैं, माल आप खुद ही उठाते हैं, माल है क्या रे, फायर ब्रिगेड का माल ले लिए, फायर ब्रिगेड पे लेके जाओ, फायर ब्रिगेड, ए बाबा सर मैं पकड़ा ना, मैं तो ट्रेन चालू कर रहा हूं, मैं करूंगा, ये देखो ये हॉकर, एक मिनट अभी मैं इनसे मिलके आया, आप इनको तीन बार बोला जाने के लिए, नहीं नहीं, ये बाहर को बाहर नौकरी पे जाते हैं, तीन बार बोलने के लिए मेरा घर कर दो, दूरी बना, क्या बोलते हैं, हवा में जरा पूरी हो जाए, इनको लिस्ट बना, तुम्हारा वही बोल रहा हूं ना, एक हफ्ते में पूरे शहर, नहीं नहीं, दो दिन में लिस्ट दे, दो दिन में कैसे तैयार होगी, वो सब
इधर से उठाने का मित्र नहीं बिठाने की लिस्ट की जरूरत नहीं। अरे दो दिन इधर से उठाने, सुन मेरी बात, इधर से उठाने का चल मित्तल में जगह, लेकिन मित्तल बिठा के करोगे मैं जब करते ना हटाना। अरे नहीं मैं बिल्डरों ने कब्जा शुरू कर दिया वहाँ पर। अरे नहीं बाबा क्या इनने बोले कि 100 हॉकरों की लिस्ट, मैं बोला ये जो कोरोना का पीरियड चल रहा है इसमें मैं भी एग्री करता हूँ कि जो 1700 हॉकर थे ज्यादा हॉकर्स हो गए शहर में, और ये पूरे शहर में यानी सिर्फ मुंबरा में नहीं, तलवा दीवा या तुरला कल्याण डुम्बेली जहाँ भी ना हर तरफ यही हाल है। तो मैं बोला जो गरीब यानी आज बाहर नहीं जा रहा है वो घर के नीचे आकर 2 पैसा कमा रहा है तो उनपे कार्रवाई मत करो। हे आता कुठले नियमत बसले मला माहिती, तुला जर माहित असेल तर तू मला कागदपत्र आणून दे, मी त्याप्रमाणे कारवाई करेन। कोर्टाचे हायकोर्टाचे ऑर्डर आहे ते, मी त्याच्या पुढे जाऊ शकत नाही। फक्त हे रस्त्यावर उभं राहून आपण बोलणं योग्य नाही। आपली गर्दी होते लोकांमध्ये, उद्या जर काही बवाल झाला तर मला जबाबदार कोण? सोशल डिस्टन्स काय को बवाल आहे का? आप जेंटली बात करा, नाही बात बोलतोय सोशल डिस्टन्सिंग काय, थोडा डिस्टन्स दे दो भाई, बाहेर डिस्टन्स नाही सुनने वाले। हो मैंने अपने स्टेटमेंट में आगे वही बोला कि टीएमसी करेगी क्या जब मंत्री लोग परेशान करेंगे उन पे प्रेशर करेंगे, मैं तो वही बोल रहा हूँ आप लोग के फेवर में बोल रहा हूँ। मैंने हम लोग आए थे जो स्टेटमेंट आया ना कुर्ला कल्याण के, तो हम लोग वो स्टेटमेंट लेके आए थे कुर्ला के कितने कल्याण के, मैं देता ना एक हफ्ते के अंदर लिस्ट देता ना। एक बात बोलता हूँ तुमका, ये बाहर के लोग मैं पहचानता हूँ, ये तो बात पक्की है। 10-12 साल से मैं पहचानता हूँ, नॉर्मल हॉकर्स मेरी पहचानी। एक 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 को पहचान, मेरे को मेरी बस एक रिक्वेस्ट है सर, ये कोरोना का बाहर का कौन सा कोरोना, मेरी बात सुनो ऑफिस में बोलू, ऑफिस चलते अपना, सुनो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ, ये कोरोना पीरियड में ना सर, कोरोना पीरियड में ना जो नॉर्मल यानी घरों पे नौकरी पे जाते थे ना मुमरा के बाद, वो नहीं जा पा रहे, वो लोग धंधा लगा। भाई देखो जेल जाना है क्या? चुप हो जाना, जरा बात कर लेना, हम लोग तुम्हारे लिए बात कर रहे हैं। क्या लड़ने किसी ने भेजा है? हम लोग को जाना पड़ेगा किसी ने भेजा है क्या? जाके वहाँ पर बवाल करो लड़ करके, उन लोग अच्छे से बात कर रहे तो हम अच्छे से बात कर रहे हैं। ऐसा कितना जो बोमारे सामान नहीं जो है ना बाहर है ना, बाहर के जो लोग हैं ना जाने वाले वो लोग धंधा लगा रहे हैं। मेरा बस आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि ये कोरोना पीरियड में ना थोड़ा कार्रवाई पे जो आप लोग टोड़म ताड़ी हो रही है जो ये बंद करिए सर, और थोड़ा बैठने दीजिए, गरीब कहाँ से कमाएगा? मेरे रोड के ऊपर, हमारे रोड के ऊपर मुमरा स्टेशन से कौसा मस्जिद तक कोई हॉकर बैठेगा नहीं, एक बात। दूसरी बात क्लियर बोलता हूं, कहां बैठेगा सर? चलो हॉकर जोन बता दो, वहां बैठेगा, बता देता हूं, लीगल बता देता। 450-500 जो मित्तल में गए उनके साथ सब लोग गए, और इधर एक भी नहीं बैठेगा तो उधर धंधा सब भाड़ा चालू है, मंत्रियों के आदमी भाड़ा ले रहे वहाँ पर, भाड़ा मंत्री का आदमी नहीं कुछ नहीं, आप फ्री में बिठाओगे वहाँ पर? फ्री में 1 रुपया अभी तक नहीं लिया, भी कोई भाड़ा नहीं लेगा कि मेरा 10 गाला 5 गाला। सुनो मेरी बात, मेरे पास प्रूफ है, वीडियो है, दे दो प्रूफ, दे देता हूँ, दे दो। 1 रुपया अभी तक नहीं लिया, मगर उनका जो लाइट पानी पीने उन लोगों ने खुद एडजस्ट करने का, ये भी वो करेंगे बस। और मगर रोड के ऊपर एक भी हॉकर बैठेगा नहीं, और 1700 के कोरोना पीरियड में तो 1700 लोग जो है वो मुमरा के हमारे है, उन लोगों का बंधु देख तू, 1700 नहीं होने वाले इसमें जो बड़े ना, मैं गिनके निकलता हूँ ये किधर का है ये किधर, मैं खुद एग्री कर रहा हूँ, जो काम के बाहर जाते थे ना वो भी बेचारे जॉकर्स हो गए। सर भाई अभी जैसे आप लोग जो है हॉकरों से पूछताछ ही कर रहे थे कि कहाँ के रहने वाले हैं, वो कहाँ के, इसी बीच जो है मनपा ने कार्रवाई भी की है, तो गोसावी सर से अभी क्या बात हुई है आपकी, जो हॉकर से उन्हें कहाँ शिफ्ट किया जाएगा, ऐसा कुछ बताया उन्होंने? देखिए जैसे अभी आप देख रहे थे हम लोग खुद हॉकर से पूछ रहे थे, वो आपको पता होगा कि किसके इशारे पे जब बातें फैली होगी कि हम लोग यहाँ पर लोगों से पूछ रहे हैं वो यहाँ के, तो किसके इशारे पे उन लोगों को आना पड़ा, फिर भी हमने कार्रवाई रोकी है। उन लोगों ने कहा है कि वहाँ आ करके मिल करके बात करें ऑफिस पे, और जितने हॉकर्स आज शहर में, जैसे आपको पता है कि सिर्फ हॉकर्स लोग ही नहीं, जो बच्चे काम पे जाते थे शहर के बाहर जाते थे, जो युवा वो भी आज हॉकर्स बंद करके यहाँ पर अपनी रोजी चला रहे, क्योंकि बाहर से कमाई नहीं घर चलाना है, तो बोले मैं उन लोगों को भी एडजस्ट करके दूंगा। लेकिन हम लोगों ने यही कहा है कि भाई जहाँ जहाँ हॉकर्स बैठ रहे उनको बैठने दो, जब तक आप लीगल हॉकर जोन नहीं देते इलीगल हॉकर जोन की बात ना करें। अच्छा जो हॉकर्स आपने जैसे पूछताछ की है, वो हॉकर्स आपको कहाँ के मिले, क्या मुमरा के बाहर के मिले हैं वो या मुमरा के ही रहने वाले हैं? देखिए जितनों भी हॉकर से पूछा है मैंने, जितने भी
इवन औरतों से, आदमियों से, जो यंग युवर्स सब यहाँ के मुंबरा के ही रहवासी है। और मुझे कोई आपत्ति नहीं अगर कोई बाहर के भी दो चार लोग आकर मेरे शहर में कमाते हैं तो, क्योंकि मेरे शहर के भी लाखों युवा यहाँ से बाहर जाके कमाते हैं, तो कोई कमाने आता तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मैं कभी नहीं बोलूंगा कि उन पर फाइन मारो, क्योंकि ये मेरे अपने हैं, ये उनको पराए लग रहे जो थाना के खुद बाहर के और यहाँ आकर के राजपाट कर रहे, यहाँ कमाई कर रहे, उनको लग रहे बाहर के। जो MLA यहाँ पर आए वो यहाँ के नहीं है, मंत्री साहब आप यहाँ के नहीं हो, आप बाहर के हो, ये गरीब हॉकर्स यहाँ के ही है, तो इन पे कार्रवाई ना करें। जब आप लीगल हॉकर्स नहीं दे सकते तो आप कार्रवाई कराने का हक भी नहीं रखते, तो ऐसे स्टेटमेंट ना दे, उन पे जुल्म ना कराए। अच्छा राजू गांधी हॉकर्स यूनियन में क्या गाले वाले नेताओं के बटे हुए हैं, कौन कितना गाला किसका है, किसका है, ऐसा सब बटा हुआ है क्या? इंशाल्लाह कौन कौन से नेता का है और बताइए। देखिए वहाँ पर आप गरीब हॉकर से पूछिए, वो बताएंगे आपको, और मेरे पास भी प्रूफ है इंशाल्लाह। जब नहीं, आपके पास प्रूफ है ना वो बताओ ना। बताऊंगा ना, मैं तो अधिकारियों को भी कहा आपके सामने कहा कि मेरे पास वीडियो प्रूफ है, पैसे लेते हुए गाले उनके पहाड़े पे देते हुए, मैं सब सामने लाऊंगा। जब ये लड़ाई पूरी शुरू होगी तो इंशाल्लाह पूरी तरीके से होगी, हर एक को लाऊंगा सामने कि क्यों ये गरीब हॉकर्स को यहाँ से हटा रहे, ताकि उनके लोग हफ्ता खा सके वहाँ पर, जहाँ पर धंधा नहीं गरीब। अच्छा आपने जो है मित्तल का भी जिक्र किया कि वहाँ हॉकरों को भेजा जाए, लेकिन दो ही महीना समय बताया जा रहा है कि है, दो महीने बाद रोड का काम चालू हो जाएगा। बिल्डरों का नाम आपने जिक्र किया वहाँ पर, तो कौन कौन से बिल्डर है जो वहाँ पर अपनी अपनी जगह बांध रहे हैं, कौन कौन से बिल्डर हैं? देखिए काफी आपने अपने आपने जो है कहा है ना कि बिल्डर वहाँ पर है, तो कौन कौन से बिल्डर है? ये बताया ना, जब वो बोले कोर्ट का ऑर्डर, तो मतलब कोर्ट का दूसरा ऑर्डर भी आपके सामने ही है। कुछ बिल्डर वहाँ पर मैंग्रोव की जगह पे अपनी बाउंड्री मार रहे हैं, काम कर रहे हैं, आप उनको रोको। आपको वो नहीं दिख रहे, ये गरीब हॉकर दिख रहा जो सॉफ्ट टारगेट है, इनको मार दो, इनपे केस कर दो, ये दिख रहा, आप उनको रोको। मैंग्रोव में कोर्ट का ऑर्डर और बाउंड्री मार के काम करने जा रहे, पूरा मैंग्रोव का देखिए आप, आरिफ इराकी की PIL का कोर्ट का ऑर्डर है जो TMC में भी मौजूद है। तो कौन कौन से बिल्डर है वो आपको मालूम होगा ना, उनका नाम खोलिए ना, सारा शहर जाने, जैसे आप जान रहे हो सारा शहर जाने। देखिए कौन से बिल्डर है, किसने दलाली की है, कौन से नेता ने दलाली की है, कौन सा नेता दलाली खा रहा है, कौन से बिल्डर को दे रहा है, कौन से लॉबी के, इंशाल्लाह ताला कोर्ट के जरिए सब खोलूंगा मैं। थोड़ा वक्त खोलो ना, लोगों को पता चला। डर रहे क्या? अरे आप डर रहे क्या? अरे मैं बहुत घबरा रहा हूँ उन लोग से, तभी तो इतना बिंदास बोल रहा हूँ मैं, इतना घबरा रहा हूँ आप मंत्री साहब के उससे घबरा रहा हूँ मैं। अगर मैं तो आपने सुना कि जिस तरह से जो हॉकर को लेकर जो है सैफ पठान यहाँ पर आज जो है हॉकरों से पूछने आए थे कि क्या वो मुंबरा शहर के रहने वाले हैं या कहीं और के रहने आए, तो उनका ये कहना है कि वो ज्यादातर जो हॉकर्स मिले हैं वो मुंबरा शहर के ही रहने वाले हैं। इसी बीच जो है उन्होंने कई बातों का जिक्र भी किया है जो आप इस वीडियो में सुने भी हैं। कैमरामैन जफर के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंबरा।